हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023। आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 का आगाज हो चुका है, उसका फाइनल शेड्यूल भी आ गया है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम पूरे राउंड फर्स्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि पूरे राउंड फर्स्ट के दौरान आप सभी के साथ क्या क्या होने वाला है। इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, आप सभी को राउंड फर्स्ट को लेकर के कोई डाउट नहीं बचेगा। आप सभी को पूरे राउंड फर्स्ट का एक एक प्रोसेस समझा दूंगा अच्छे से, और उसके बाद आप सभी का राउंड टू का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बारे में भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो पूरे काउंसलिंग के बारे में आप सभी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के दौरान मिलेगी। जितने भी आप सभी के पर्सनल डाउट हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का नॉर्मलाइजिंग स्कोर आया और रैंक आई, और उसके आधार पे अभी आप चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं 20 तारीख तक। आप सभी 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, आप 250 रुपये कब लगेगा। तो मैंने आप सभी को बता दूं कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वही आपका इस बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब 250 रुपये कहाँ लगेगा उसको वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा आप सभी को। आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा और भी प्रोसेस सारे समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो आप सभी का चॉइस फिलिंग 20 तारीख को रात तक हो जाएगा, लगभग 11-12 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आज के ही डेट में आप सभी को जो भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना है उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है कुछ इस तरीके से है, और आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमने सभी चैनलों में आप सभी को दिखा दिया था इसको, दोपहर में 12 बजे के आसपास ही काउंसलिंग का शेड्यूल आप सभी को भेज दिया था। बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो देखिएगा, चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो 20 तारीख तक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और ये आपका रात में 11:59 तक चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली विंडो बंद हो जाएगा। अब बच्चों का डाउट ये है कि चॉइस लॉकिंग कब होगा। चॉइस लॉकिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनको ये डर है कि कहीं मेरा चॉइस लॉक तो नहीं हो रहा है। अगर चॉइस लॉक नहीं हो रहा है तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आएगा अलॉटमेंट का। तो मैं बता दूं, अभी तक का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें ये है कि ऑटोमेटिकली आपका चॉइस लॉक कर दिया जाएगा। आपको अभी फ़िलहाल चॉइस लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो आप बस चॉइस फिलिंग अपना कर दीजिए, आपका चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, जो कि आपको 22 तारीख को हो जाएगा। अब 22 तारीख को सुबह में नहीं होगा, ये शाम के 5 बजे के आसपास ही होगा। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस जो पॉलिटेक्निक के दौरान है, और मैं अपनी दौरान जब कर रहा था, यानी 3रा साल हो गया लगभग, तो जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो अप्रॉक्स 5 बजे शाम को हो जाता है। फर्स्ट राउंड सीट का अलॉटमेंट शाम के 5 बजे तक हो जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट रात के 11 या आप सभी के लगभग 3 भी बज जाते हैं। मैंने एक बार अपना सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट, जब मैं मुरादाबाद में, मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद सेकंड राउंड, तो मेरा अलॉटमेंट रिजल्ट रात में 2:43 पर आया है। जी हाँ दोस्तों, रात के 2:43 पर आया है। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितने बजे मैंने प्रिंट को डाउनलोड किया है और आपका अलॉटमेंट रिजल्ट कितने बजे आया है, उस चीज़ को मैं भी अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जब सीट अलॉटमेंट का वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। जैसे ही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, वहां पर आपको विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। विलिंगनेस में लिखा रहेगा फ्रीज और फ्लॉट। अगर आप कैंडिडेट इस बार फ्रीज करते हो, ठीक है, तो आपको सीधा कहाँ जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आप सभी का कहना है कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अभी भी कुछ करा ही नहीं है, यानी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, किस कॉलेज पर होगा, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ना कोई डाटा भरा गया है। देखिए, जहाँ तक मेरा 99.9% अनुमान है और वही होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होगा इस बार, आप कहीं भी करा लोगे, या ये कह देंगे कि आप अपने राजकीय पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट में करा लोगे। पहले क्या होता था, जब रजिस्ट्रेशन होता था 250 रुपये लगता था, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही होगा, और कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे।
आपको अपने जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है, लेकर जाएंगे। आपको वहाँ पर एक लिस्ट लगी होगी, लिस्ट में आपको ऑर्डर वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर वाइज जेरोक्स कॉपी लगा लेना है और उसी ऑर्डर में आपका ओरिजिनल रख लेना है। ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों को लेकर जाना है, जो भी जेरोक्स होंगे सब पे नीचे की तरफ साइन कर देना है और आपको ले जाना है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका साइन करके दे देगा। अभी ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा, आप सभी ने जो भी च्वाइस फिलिंग करा है अभी 20 तारीख तक, वो आप 3 राउंड तक चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कराया, ठीक है, अगर आपने फ्रीज करा तभी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अगर आपको कोई कॉलेज मिला और अच्छा नहीं लगा तो आपने क्या कर दिया, फ्लॉट, ठीक है। जैसे ही आप फ्लॉट करोगे आपको पेमेंट करना होगा 3250 रुपये, और जैसे ही 3250 पेमेंट करोगे आप चले जाओगे कहाँ, सेकेंड राउंड में। क्लियर हो गई बात? तो आपका फर्स्ट राउंड से नाता टूट जाएगा। लोग कहते हैं कि फ्लॉट करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, तो नहीं, फ्रीज करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जब फ्रीज वाला कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के लौटता है तो पोर्टल पे आपको जहां पर आपने चेक किया था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो लिंक बनी थी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, उसी पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक नया ऑप्शन खुल जाएगा आपका, फ़ी पेमेंट्स डिटेल्स। जैसे ही फ़ी पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टोटल गवर्नमेंट का फीस, एडेड का फीस शो करेगा, प्राइवेट का फीस नहीं शो करता है। सपोज करो आपके गवर्नमेंट की फ़ीस 11,306 रुपये है, क्योंकि गवर्नमेंट की साल भर की फ़ीस एक बार में जमा होती है एडेड के भी, तो आपको टोटल फ़ीस आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको वहां से मिल जाएगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेकर के आपको जिस दिन आपका ये हुआ है प्रोसेस, उसके दूसरे या तीसरे दिन तक कॉलेज जाना होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट सीट अलॉटमेंट के कितने दिन तक आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर 22 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा आपका, आपको 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, यानी इस बार 3 दिन का मौका मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने का, पिछली बार सिर्फ 2 दिन का मौका मिलता था, ठीक है। तो आपको इस 3 दिन के बीते में आपको चले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही 23 तारीख को अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो आप सभी को, नहीं 26 तारीख को, 26 तारीख के बाद 27, 28 या 29 में आप सभी जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप मौजूद हो जाइए, आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि जब आप 10,370 रुपये फ्रीज वाले कैंडिडेट पेमेंट करेंगे पैसा, तो उसमें 10,370 या 11,306 प्लस 250 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन का भी ऐड होगा, जो कि आपका काट लिया जाएगा और बचा हुआ अमाउंट आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सेकेंड राउंड में करेंगे और फिर सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगता है तो फ्लॉट करेंगे तो आपको 3250 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा थर्ड राउंड में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है और उसे आप फ्लॉट करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड में फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और आप सभी का वही फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट हो जाएगा और आपको सीधा जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर और आपका एडमिशन प्रोसेस डन हो जाएगा। अब नहीं लगता है कि मुझे आप सभी को कोई डाउट होगा फर्स्ट राउंड से रिलेटेड, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।